गरीबों के राशन पर आखिरकार किसकी नजर? खाद्य आपूर्ति विभाग, यह वो विभाग है जिसका जिम्मा अपने आप में भूखों की पेट भरना है। लेकिन अगर इसी ही विभाग में गड़बड़ झाला हो जाए, झोल हो जाए, तो फिर लोग राशन के लिए भटकने के लिए मजबूर हो जाए, तो फिर जब खुद कैमरे के सामने बुजुर्ग महिला का दर्द आंसुओं से झलकने लगे, तो फिर कई सालों से कार्यालय के चक्कर काटे जा रहे मगर कोई सुनवाई नहीं, कोई सुध नहीं। मामले की जांच का जिम्मा सौंप दिया गया, लेकिन सवाल यह कि आखिरकार गरीबों के हक पर किसने डाला डाटा और कौन है जिम्मेदार? राशन के लिए दर दर क्यों भटक रहे हैं गांव वाले? आज मेरा गांव मेरा देश में सीधे तौर पर इसी का जिक्र करेंगे, क्योंकि ये वो मुहिम है जिस मुहिम के जरिए हम जिम्मेदार महकमे को, जिम्मेदार विभाग को, जिम्मेदार अधिकारी को आपकी समस्याओं के बारे में अवगत करते हैं, आपसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं। ना जाने ऐसे कितने मुद्दे हैं जिनको इस मंच से उठाया गया और हर समस्या का समाधान भी हुआ। अधिकारियों को इस कार्यक्रम में जोड़ने की कोशिश एक मुहिम होती है ताकि आपकी समस्याओं के बारे में उनको बताया जा सके। आज इसी का जिक्र करेंगे, लेकर चलेंगे आपको रुड़की। रुड़की की तस्वीर और वाक्य क्या है हैरान करने वाला, देखिए रिपोर्ट और उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। राशन के लिए दर दर भटक रहे गांव वाले। 5 किलो राशन देर बद और चिन्नियारी 5 किलो मिल रही था। कैमरे पर छलका बुजुर्ग महिला का दर्द। 5 किलो ये रा गुलाब भी देख लो, 10 महीने हो गए मुझे। ना कोई सुनवाई, ना कोई आश्वासन। घर में परिवार में कोई है नहीं? ना दी, मैं अब कोई करूँ और कभी नहीं है मेरे पास। तो कौन है इसका जिम्मेदार? जाएक और केंद्र राज्य सरकारें गरीबों की हर संभव मदद करने के लिए तमाम तरह की योजनाएं बना रही हैं, पर उन्हीं योजनाओं पर सरकार के नुमाइंदे ही पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रुड़की के खाद्य आपूर्ति विभाग कार्यालय की, जहां पर लगातार लोग राशन ना मिलने की शिकायत लेकर अक्सर देखे जा सकते हैं, पर विभागीय अधिकारी लोगों को आश्वासन देकर टाल देते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि रुड़की के नारसान ब्लॉक में तकरीबन 80 गांव इससे प्रभावित बताए जा रहे हैं। नारसान ब्लॉक में झबरेड़ा और मंगलौर विधानसभा आती है, पर इन सभी गांवों के बाशिंदे इस बात को लेकर परेशान हैं कि उनके राशन कार्डों से नाम हटा दिए गए हैं, और जब वो रुड़की खाद्य आपूर्ति विभाग पहुंचते हैं तो उन्हें देहरादून जाने की बात कहकर टाल दिया जाता है। यहां उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। 6 महीने हो गए तो राशन डीलर क्या कहता है? अगर उनको कहा थारी यूनिट कटी हुई वाला कागज दे गए थे हम जमा, फिर इन्होंने जो होना दिया ही नहीं, अब फिर आया है इलेक्शनों के बाद में, अब फिर नुकार 2-3 महीने लगाएंगे। कौन से गांव के निवासी हो आप? यहीं से ही, रुड़की से ही। वह इस मामले को लेकर खाद आपूर्ति अधिकारी तैनात शर्मा से जब पूछा गया तो जरा ध्यान से सुनिए उन्होंने क्या कहा, क्योंकि ये बयान सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। इस संबंध में मेरी कोई जानकारी नहीं, ना मेरे मैंने कोई लड़का रखा हुआ है, ठीक है। हमारे तो 2 बाबू रखे हुए हैं, एक भूपेंद्र है और रुड़की में, मैं रुड़की में पोस्टेड हूँ, उसमें मंजू काम कर रही है। बहरहाल इस मामले में अब जॉइंट मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई की बात कही है। कोई भी प्राइवेट आदमी को हेल्प के लिए अगर आप ले रहे हो, दैट इज एन अनदर इशू, बट यू आर कीपिंग हिम इन अ पोजीशन जहां वो कई लोगों को हटा सके और लोग मतलब जो जरूरतमंद है उनको हटा के और अपने जान पहचान वाले लोगों को ऐड करे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब कार्यालय में बैठे अधिकारियों को ही अपने कार्यालय में तैनात कर्मचारियों के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो फिर इस व्यवस्था का भगवान ही मालिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो सीधा रुख करेंगे सबसे पहले अपने सहयोगी की तरफ जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। सीधा ग्राउंड जीरो पर रुख करेंगे और कोशिश करेंगे जिम्मेदार महकमे को हमेशा की तरह आज एक बार फिर से जगाने की। खाद्य आपूर्ति विभाग जिसके ऊपर जिम्मा है, जो इन
80 गांव के बाशिंदों का पेट भरे, लेकिन वो विभाग सोया हुआ है, सोया हुआ है या सोया होने का ड्रामा कर रहा है। सोया हुआ है तब भी जगाएंगे, ड्रामा कर रहा है तब भी जगाएंगे, क्योंकि विभाग का जिम्मा है नारसन ब्लॉक में तकरीबन 80 गांव के इन प्रभावित लोगों का पेट भरने का। शहजाद, आपसे जानना चाहेंगे क्या है यह पूरा वाक्या और अब तक इस पूरे मामले को लेकर जिम्मेदार महकमा क्या कुछ कह रहा है। शहजाद, मेरी आवाज आ रही है आपको? शहजाद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शहजाद, आपसे जानना चाह रहे हैं क्या है यह पूरा मामला और अब तक अधिकारियों ने इस पूरे मामले की बाबत क्या कदम उठाए हैं? कार्यालय बनाया गया है वहां पर, अक्सर देखा जाता है कि काफी लोग वहां पर चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन जो वहां पर अधिकारी नियुक्त किए गए ना वो अधिकारी उनको मिल पाते भी है, उनको आश्वासन देते हैं कि आपका कार्ड चढ़ जाएगा, लेकिन वो राशन डीलर के पास जब पहुंचते हैं तो राशन डीलर उनको बोलता है कि आप उड़की जाइएगा और अपना कार्ड ऑनलाइन करा कर जाइएगा। लेकिन जब वहां पर जो कार्ड धारक है उड़की पहुंचते हैं तो जो अधिकारी वहां पर मौजूद है वो उनसे उनको कार्ड धारक को ऑनलाइन तो नहीं कर पाते, लेकिन उनको ये तक कहा जाता है कि आप देहरादून जाइए और वहां से करा के लाइए, लेकिन जिम्मेदारी वहां के अधिकारियों की जो बनती है वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पा रहे। खास तौर पर देखा जाता है कि वहां पर जो पब्लिक जो जनता वहां पर पहुंचती है कार्ड धारक, तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और काफी लंबे समय से ये चलता आ रहा है कि किसी के 2 यूनिट कार्ड दिए गए हैं, किसी के 4 यूनिट कार्ड दिए गए, लेकिन जब उनको जोड़ने का नाम काम किया जाना चाहिए था उसे देखते हुए वहां के अधिकारी वहां कार्यालय पर मौजूद नहीं हो पाते रह पाते, जिस कारण उनका काम नहीं हो पाता है। और शहजाद, ये समस्या रुड़की में भी सामने आई थी, लेकिन ये वाक्या जो नारसन ब्लॉक का आप बता रहे हैं, क्या ये दोनों विधानसभा में आता है, जबरेड़ा और मंगलोर में? जी, मैं आपको बता दूं, जो ये जहां का है ये वारदातें वाक्या है ये जबरेड़ा और मंगलोर विधानसभा में पड़ता है, और वहीं जो वहां के मंगलोर विधानसभा नारसन ब्लॉक है वहां के अधिकारी भी रुड़की तहसील में ही एक कार्यालय बना हुआ है जहां पर वहां बैठते हैं। आपको बता, जो एक अधिकारी है उसको 2-2 जगह के कार्ड दिए जाते हैं, लेकिन अधिकारी 2 जगह एक जगह कार्य ना करते हुए 2 जगह कार्य कैसे कर सकता है जब एक जगह का वो कार्य नहीं कर पा रहा है, और उसी के लेकर अधिकारी कार्यालय में नहीं मिल पाते, ये लोग वहां पर चक्कर काटते रहते हैं बार बार, और कहीं ना कहीं गरीब लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वजह क्या है? राज्य सरकार उनको शहजाद वजह क्या है? शहजाद वजह क्या है, क्या कहते हैं अधिकारी की किस वजह से आखिरकार ये लोग समस्या से दो चार हो रहे हैं? अधिकारी का कहना सिर्फ ये रहता है कि कनेक्टिविटी नहीं है और साइट नहीं चल रही है, जब साइट चलेगी जब हम आपका राशन कार्ड चढ़ा देंगे, तो लगभग 1 साल से यही चलता आ रहा है कि साइट नहीं चल रही है, साइट नहीं चल रही है, और इसी को लेकर जो वहां पर लाभार्थी कार्ड धारक पहुंचते हैं उनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और कुछ को तो ये भी कह दिया जाता है कि आप राशन डीलर के पास चले जाइएगा हमारी बात करा दीजिए, लेकिन देखने वाली बात तो ये जिनको राशन की जरूरत नहीं है उनके कार्ड चढ़े हुए हैं और जो गरीब जनता परेशान है उनके कार्ड नहीं चढ़ाए जाते और उनको बार-बार। शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शर्मा जी हैं खाद्य आपूर्ति विभाग इनके पास है, खाद्य आपूर्ति अधिकारी हैं। शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका। शर्मा जी कैसे हैं आप? बढ़िया। शर्मा जी मैं आपके संज्ञान में एक मामला लेकर आने वाला हूं और ये मामला आपके संज्ञान में पहले से ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, ये मसला नारसन ब्लॉक का है जहां पर जबरेड़ा और मंगलोर में लोग परेशान हैं क्योंकि लगभग 80 गांव बताए जा रहे हैं जहां के आवाम को राशन नहीं मिल पा रहा है, राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, उनकी यूनिट कट जाती है। क्या आपके संज्ञान में ये मामला है? नहीं, ये नारसन और आपने जबरेड़ा बोला ना, नारसन ब्लॉक जबरेड़ा मंगलोर विधानसभा। हाँ सर, ये मेरे पास नहीं है, ये आपके पास है ही नहीं, क्षेत्र में नहीं, नहीं सर। आपका क्षेत्र कौन सा पड़ता है, क्योंकि इस वक्त आप लाइव हैं, मैं आपको बता दूं इस वक्त आप लाइव हैं। मैं रुड़की ब्लॉक देखता हूं। आप रुड़की देखते हैं? रुड़की ब्लॉक देखते हैं। तो ये नारसन ब्लॉक का जिम्मा किसके पास है आप बता सकते हैं शर्मा जी? ये दिनेश शर्मा है हमारे यहाँ। दिनेश शर्मा जी हैं जी। तो यानी वो शर्मा जी मदद करेंगे, आप मदद नहीं कर पाएंगे शर्मा जी? नहीं सर, उनकी जानकारी अलग क्षेत्र है ना। अच्छा, तो ये इस मामले को लेकर शायद आपने भी कोई अपनी प्रतिक्रिया दी हाल फिलहाल में?
नारसन ब्लॉक में? जी नारसन ब्लॉक में, जबरेड़ा मंगलोर विधानसभा। ये जो है आए थे कुछ कार्ड धारक आए थे मेरे पास ना। जी तो आपके पास क्यों आए थे कार्ड धारक जब आपके पास जिम्मा नहीं है तो? ना ना मैं बैठा था, मैंने बताया था दिनेश शर्मा जी है नहीं, अभी जो भी मेरे से है तो मैं कर दूंगा, ठीक है। नहीं तो फिर आपके पास जब अधिकार नहीं है तो फिर आप कैसे करेंगे? नहीं नहीं हेल्प तो कहीं से कोई भी किसी कर सकता है, वर्क तो नहीं कर सकता ना, हेल्प भी किसी कर सकता है। नहीं हेल्प बहुत अच्छी बात है, आप मदद करना चाहते हैं तो हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ जाइए शर्मा जी। ठीक है तो इस वक्त नहीं नहीं सर फोन मत काटिए, आप इस वक्त लाइव हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर लाइव हैं आप। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आप भी मदद करना चाहते हैं और हम भी मदद करना चाहते हैं ताकि गरीबों का हक जो है उनको मिले, तो आप इसमें कैसे सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप भी देखिए खाद्य आपूर्ति अधिकारी हैं तो सहयोग तो आप भी कर सकते हैं, तो आप कैसे मदद करेंगे हमारी इस मुहिम में? इस मुहिम में जिनके कार्ड ऑनलाइन नहीं उनको ऑनलाइन करवाएंगे, जो यूनिट हमारे डिलीट हो रखे हैं उनको फिलहाल हमारे यहाँ कैपिंग लगी हुई है, उनको जब जैसे कैपिंग खुलेगी उन्हें अप्रूवल कराएंगे। सर वो कैसे हो पाएगा क्योंकि इतने लंबे वक्त से तो हो नहीं पा रहा, ऑनलाइन कैसे करवाएंगे? कहते हैं कि वेबसाइट ही चल रही है, साइट ही चल रही है, फिर नहीं, कैसे नहीं, ऐसा है जी, ऐसा है देखिए कैपिंग लगी हुई हमारे पास, जब तक हमारे पास शासन से कोई वक्त से हमारे पास वो नहीं आ जाते वगैरह तब तक उनसे ऐड नहीं करते। नहीं आपकी बात सही है लेकिन आखिरकार कब तक ये समस्या समस्या बनी रहेगी? आप भी चाहते हैं समाधान हो, मैं भी चाहता हूँ समाधान हो, तो ये समाधान होगा कैसे? ये रास्ता आपको तलाशना है ना सर। हाँ सर ये हम पिछले कम से कम साल भर से इस समस्या से जूझ रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास कैपिंग लगी होने के कारण हम लोगों के कार्ड प्रॉपर में ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं। सर साल भर से भूल गए मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। मैंने कहा साल भर से जो हमारे कार्ड थे ना जी पिछले जी, हाँ तो वो कैपिंग लगे होने के कारण ऑनलाइन नहीं हो पाए, बाकी हमने जो हमारे पास आ रहे कार्ड हमने छुड़वा रखे हैं। ऑनलाइन नहीं हो पाए इसका जिम्मेदार कौन है? सर जब तक कैपिंग नहीं खुलेगी तो जब तक अप्रूवल आएंगे। सर मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ कैसे संभव हो पाएगा, अधिकारी आप है, समस्या का समाधान आपने करना है, मैं नहीं कर पाऊंगा सर, मैं तो आपको बता पाऊंगा कि ये लोग परेशान हैं, इसकी परेशानी का हल आपको खोजना है। हाँ सर इसका जो है आप हमारे जो हमारे डीएसओ साहब हैं जिला पुलिस अधिकारी, ठीक है जी दिनेश शर्मा जी नहीं जी जिले में। अच्छा तो मतलब जिले में जो हमारे नहीं सर टैक्स तो सर इन्हीं के टैक्स से तो इन्हीं के टैक्स से सैलरी आपको मिलती है ना सर, जो गरीब लोग हैं इनके टैक्स से, तो इसमें मदद तो आपको ही करनी चाहिए सर जहाँ तक मुझे लगता है कि नहीं। सर हमें सरकार से मिलेगा तो हम देंगे, जो सरकार हमें राशन दे रही है बंटवा रहे हैं उसे, ठीक है ना। तो फिर ये लोग कौन है जो भटक रहे हैं? ये कुछ लोग ऐसे जिनके जिनके आधार जो है वो अपडेट नहीं हो पाए थे। हाँ सर वो अपडेट कब हो पाएंगे मैं यही तो पूछ रहा हूँ सर आपसे। अपडेट देखिए हमने कई बार इन्हें प्रेस नोट भी निकाला था, ये हमने कहा था जो आपने डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं जिन्होंने भी जमा कराया उनके अपडेट हो गए, जो नहीं करा पाए उनकी वैकेंसी खत्म हो गई है, अब वैकेंसी आएंगी अपडेट हो जाएंगे वो चढ़ाए हुए हैं सारे कार्ड। तो ये समस्या कब तक समाधान हो जाएगा सर? सर इस बारे में मैं आप हमारे कुछ अधिकारी जो है डीएसओ साहब उनसे बता पाएंगे, आप नहीं बता पाएंगे जी सर जी। तो आप इतनी मदद कर सकते हैं कि इस समस्या को ऑनलाइन समस्या को समाधान करवा देंगे आप? हाँ सर किसी की समस्या हो ऑनलाइन कहाँ है अपडेट हुआ नहीं हुआ, तो मैं आपके पास इन जो ये परेशान लोग हैं कब भेजूं इनको आपके पास? मेरे पास जब मर्जी भेज दिया, सुबह से 2 बजे तक मैं ऑफिस में अवेलेबल रहता हूँ। सुबह से 2 बजे तक ऑफिस में रहते हैं? 10 बजे से 2 बजे तक पब्लिक डीलिंग करते हैं हम लोग, ठीक ना जी, पब्लिक का ही काम करते हैं 10 बजे, ठीक है जी। तो 2 बजे तक मैं भेज दूँ सबको, ठीक है? नहीं नहीं सर ठीक है, नहीं आपको सुन रहे हैं लाइव में लोग, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ हाँ एक बार आप दोहरा दीजिए ना, कंफ्यूजन नहीं होगी, एक बार दोहरा दीजिए आप। मैंने बोला 10 से 2 हमारी पब्लिक डीलिंग होती है, तो 10 से 2 बजे के बीच कभी भेज दीजिए आप, ठीक है? 10 से 2 मैं नहीं भेज पाऊंगा सर, वो तो जनता सुन रही है, वो तो खुद पहुंच जाएगी, मैं इसलिए आपसे। जनता तो आ रही सर, हमारे तो लाइन लग रही है जनता की, हमारे तो लाइन लग रही है, ठीक है? नहीं नहीं सर अच्छी बात है, लाइन लगी रहनी चाहिए, तभी तो आपको तनख्वाह भी तो ये जनता दे रही है ना सर, और है ना सर, तो इसलिए लगी रहने दे लाइन, अच्छी बात है। आप मदद करेंगे, पुण्य का खाता भी होता है ना सर कर्मों के साथ साथ, वो भी आपके पाले में। बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना शर्मा जी? और वैसे भी आप बिल्कुल ब्राह्मण है तो समझते हैं इस बातों को, तो इतना सहयोग तो करिए सर, है ना सर? बहुत सहयोग करा करोड़ा बहुत सहयोग करा हमने, कोविड में हमने बहुत हेल्प किया। हाँ सर आगे भी करिए, अच्छी बात है, पुण्य का खाता भी चलता है साथ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शर्मा जी।
तो ये थे हमारे साथ त्यौनाथ शर्मा जी, जो खाद्य आपूर्ति अधिकारी हैं। शहजाद ये कह रहे हैं कि ये जिम्मा मेरे पास नहीं है, मैं तो रुड़की का हूँ, लेकिन फिर भी मदद कर दूंगा। सर जी, जब ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पास ये मामला पहुंचा तो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने इन्हीं को वहां पर बुलाकर इनको ही कार्रवाई करने की बात कही थी, और अब ये अपना पल्ला झाड़ रहे। पल्ला नहीं झाड़ रहे। इस कार्यक्रम की क्षमता और ताकत का अंदाजा इस बात से लग सकता है कि जो जो खबर न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने इस मंच से हाल फिलहाल में 4-5 दिनों में उठाई है, हर खबर पर 100% असर हुआ है। 100% यानी कि 100 का स्ट्राइक रेट है, और यह स्ट्राइक रेट खराब नहीं होगा। यह स्ट्राइक रेट आप देखो खबर का असर होगा। ये कल से 10 बजे बोल रहे 9 बजे ऑफिस पहुंच जाएंगे, ये 9 बजे ऑफिस पहुंच जाएंगे, 2 बजे तक नहीं 4 बजे तक बैठेंगे। मुझसे लिखवा लो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये समस्या के समाधान को लेकर जब मजिस्ट्रेट साहब के सामने मामला गया तब क्या हुआ, ये बताइए तेरा दर्द को। मैं आपको बता दूं, जब ये समस्या मजिस्ट्रेट के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पास पहुंची तो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने इनको तलब किया वहां पर, और वहां त्यौनाथ शर्मा ही पहुंचे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के सामने। जब उन्होंने उनसे जानकारी ली कि इनके कार्ड क्यों नहीं बिखराए जा रहे, तो उन्होंने कहा कि वो चुनाव में बिजी थे, लेकिन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बहुत डांट इनको डाली गई ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के द्वारा कि अब चुनाव को तो 1 महीना हो गया, आप चुनाव का बहाना ले रहे, जब मेरे कहने पर यहाँ से जनता परेशान है, आप जनता ही कैसे सुनते होंगे जब मेरी नहीं सुन रहे। और डांट इनको डांटी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब ने तत्काल ऑर्डर दिए थे कि इनकी सैलरी 1 महीने की सैलरी रोक दी जाए, सभी को प्रतिलिपि जारी कर दी जाए। अच्छा, 1 महीने की सैलरी तक रोकने की बात आ गई थी, लेकिन ये कह रहे हैं मेरे पास जिम्मा ही नहीं है, बताइए। खैर, अंशुल सिंह जी थे जिन्होंने ये कहा था कि भाई अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो एक्शन लेंगे। जी, वही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब का कहना था कि मामले को उसका संज्ञान लिया जाएगा और जांच की जाएगी, और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कारण है कि क्यों नहीं ऑनलाइन कार्ड हो पा रहे और क्यों गरीब लोगों के कार्ड रुके हुए हैं। अच्छा शहजाद, एक बात और बताओ, ये हाजी सरवत करीम अंसारी अभी अभी विधायक बने हैं, पूर्व विधायक थे, अब मौजूदा विधायक हो गए, जो मौजूदा विधायक थे वो पूर्व विधायक हो गए, इनको पता है इस बारे में कि उनके क्षेत्र की जनता परेशान हो रही है? सर, मैं अभी ये नहीं कह सकता कि उनके पता है, लेकिन वो पहले भी वहां पर विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, और जब से वो क्षेत्र में सक्रिय भी है, लेकिन उनको जानकारी होनी चाहिए कि उनके क्षेत्र की जनता इतनी परेशान है, और उनकी जो क्षेत्र की जनता है जो राशन नहीं मिल पा रहा है, और भी काफी समस्याएं बनी हुई, लेकिन हाजी सरवत करीम इस ओर देखना नहीं चाह रहे, लगता है कि वो अपनी राजनीति में इस टाइम बिजी है और कुछ ना कुछ चल रहा है, कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं सरकार तो बिजी ही बनी है, लेकिन उनको विधायक बनाया है जनता ने, अब जनता चाहिए, लेकिन वो जनता की समस्या भी नहीं सुन पा रहे हैं। इस खास तौर पर जनता इसी वजह से परेशान है, जबकि जनप्रतिनिधि को इन कार्यों को देखना चाहिए, लेकिन जनप्रतिनिधि बनने के बाद वो भी लगता है कि जनता से दूरी बनाए रखे है। नहीं, वो तो बात आपकी बिल्कुल सही है, अगर विधायक जी फिर सवाल नहीं उठाएंगे जनता प्रदर्शन करेगी और विधायक हाय हाय किनारे लगेंगे। तो सरवत करीम अंसारी जी, अगर आप सुन रहे हैं, फोन नहीं उठाना समस्या का समाधान नहीं है, और जो अधिकारी फोन नहीं उठा रहा, जो विधायक फोन नहीं उठा रहा, जो पूर्व विधायक फोन नहीं उठा रहा, उसको पैच करिए और उसकी घंटी सुनाइए जनता को। ये घंटी बजा रहे हैं हम, घंटी बजा रहे हैं कौन अधिकारी? जिला अधिकारी, डीएम साहब जुड़ गए हैं, डीएम साहब विनय शंकर पांडे जी जुड़ गए हैं। विनय सर नमस्कार, विनय शंकर सर मेरा ऑडियो आ रहा है सर आपको? डीएम साहब क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? डीएम सर, न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बोल रहा हूं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? डीएम सर के पास आवाज नहीं जा पा रही है, डीएम साहब आवाज नहीं जा पा रही, लेकिन ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। आज समस्या है उन लोगों की जिसके समाधान की उम्मीद आपसे है, तो डीएम साहब एक बार फिर से हम फोन कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपको, और उम्मीद करूंगा कि इस बार आपको आवाज जाए, मेरी आवाज नहीं, उन गरीबों की आवाज, उन बेबसों की आवाज जिसकी आवाज सुनने का जिम्मा आपके पास है। डीएम साहब, उम्मीद करूंगा आपसे कि आप इनकी समस्या का समाधान करेंगे, आप जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं। डीएम साहब फोन उठाइए और मेरी बात, उस आवाम की आवाज को सुनिए जो दर्द से तड़प रही है। डीएम साहब का फोन कनेक्ट करिए प्लीज। शहजाद,
काजी निजामुद्दीन कहते हैं कि मैंने जनता के लिए बहुत सारे काम किए थे, लेकिन उन्हीं के क्षेत्र की जनता परेशान है, अब चुनाव हार गए तो उनकी आवाज़ भी नहीं उठा रहे, क्या चक्कर है? शादाब डीएम साहब एक बार फिर से जुड़ गए, डीएम साहब मेरे, डीएम साहब मेरा ऑडियो आ रहा है सर आपको? क्या है बताइए, बहुत 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 हल्की आवाज आ रही है, बहुत सर मैं सर सर मैं ट्राई करता हूँ सर, मैं थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करता हूँ सर, क्या है क्या बताइए जी सर, मैं आपके सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए वक्त निकाला, मैं आपके संज्ञान में एक मामला लेकर आना चाहता हूँ। ये मामला है नारसन ब्लॉक का, जबरेड़ा और मंगलोर विधानसभा पड़ती है, वहां पर लगभग 80 गांव के बाशिंदे राशन न मिलने से परेशान हो रहे हैं, क्या आपके संज्ञान में ये मामला है सर? नहीं नहीं, ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, शायद आवाज जो मैं सुन पा रहा हूँ जी जी सर, उसमें आप शायद कुछ राशन की बात कर रहे हैं जी, राइट सर, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है सर, प्लीज तो अपनी बात रखिए, मैं सुन पा रहा हूं। तो कोई राशन की बात आप कर रहे हैं, लेकिन ये कौन से गाँव की है और ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है आपकी बात से, किस इलाके की बात कर रहे हैं सर? ये नारसन ब्लॉक है, जबरेड़ा और मंगलोर विधानसभा पड़ती है, नारसन ब्लॉक। अच्छा, नारसन ब्लॉक की बात कर रहे हैं जी सर। ओके ओके, नहीं ऐसा तो कोई प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं आया है, और न ही किसी, अगर कोई किसी को राशन नहीं मिल रहा है तो हमारे यहाँ तो पूरा इसकी इसकी व्यवस्था बनी हुई है। मैं खुद प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक कलेक्ट्रेट में बैठता हूँ, हमारा अपना खुद का पोर्टल है, लोकल रुड़की के SDM बैठते हैं और BDOs बैठते हैं, तो ये इशू न तो किसी व्यक्ति विशेष की ओर से न ही किसी जनप्रतिनिधि की ओर से और कभी ये संज्ञान में नहीं लाया गया है सर। जितना हमने आपके बारे में सुना है और समझा है कि आप तुरंत एक्शन लेते हैं, एक्शन तुरंत लेते हैं, मैं आपके संज्ञान में लेकर आना चाहता हूँ, हो सकता है कि आप तक ये मामला नहीं पहुंचा हो, एक आपके जो ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट हैं अंशुल सिंह जी, ये उनके संज्ञान में मामला है, और त्योनाथ शर्मा जी हैं खाद्य आपूर्ति अधिकारी रुड़की, उनके संज्ञान में मामला है, और दिनेश शर्मा जी उनके संज्ञान में भी ये मामला है, जो कि खाद्य आपूर्ति अधिकारी हैं जबरेड़ा के, सर ये मामला उनके संज्ञान में है, क्या मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ कि आप इनसे फीडबैक ले सकते हैं? मैं जरूर फीडबैक ले लूंगा, अब आपके पास थोड़ी क्लियर आ रही है जी सर, मैं इनसे फीडबैक ले लूंगा, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा कि 80 गांव का मतलब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है, राइट, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मामला फिर केवल SDM स्तर तक का नहीं है जी, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या ये स्टेट लेवल तक का इशू है, अगर आप बता रहे हैं जिस तरह से जी सर, तो आप, मैं तो अनुरोध करूंगा कि अगर ये ऐसा प्रकरण वास्तव में सही है तो आई विल बी थैंकफुल टू द चैनल कि आप मुझे इसकी डिटेल भेजिए, और जो कंसर्न पर्सन है मैं भी, जो मुझे गाँव का आइडिया नहीं है जो आप बता रहे हैं, तो अपने लोकल SDM से भी इसको चेक करवाता हूँ सर, और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो ये रिजॉल्व किया जाए सर, थैंक यू सो मच। लेकिन अंशुल सिंह जी को इस पूरे मामले के बारे में जानकारी है सर, जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं उनको जानकारी है, मैं इसको चेक करवाता हूँ, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया DM साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विनय शंकर पांडे जी, DM हरिद्वार, जिनका कहना यह है कि वो तुरंत इस पर एक्शन लेंगे और तुरंत इस पर कार्रवाई करेंगे, अगर ये वाकई मामला सत्य पाया गया तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, जिनकी वजह से यह दिक्कत और समस्या आ रही है। शहजाद, सुना आपने DM साहब क्या कह रहे हैं? शहजाद, 80 गांव का मामला, उन्होंने कहा कि वाकई ये एक बहुत बड़ा मामला है, इसकी तुरंत वो फोन कर अभी जांच शुरू करेंगे। शहजाद, ये मैं आपको बता दूं, ये मामला है मोहम्मदपुर जट गांव पड़ता है नारसन ब्लॉक में, ये वृद्ध महिला जो वहां के कैमरे के सामने, जिसके आंखों से दर्द चलता, ये महिला वहां की रहने निवासी है। और दूसरा मामला जो है, मैं आपको बता दूं, आधार राशन कार्ड की बात करते हैं, त्योनाथ शर्मा रुड़की देखते हैं, मैं रुड़की का ही निवासी हूं, लेकिन आज तक मेरा भी कार्ड कट चुका था, वो नहीं चढ़ा पाए। मतलब आप ही का कार्ड भी नहीं चढ़ा पाए तो जनता का कार्ड कैसे चढ़ाएंगे वो? बिल्कुल, यानी आपका कार्ड भी नहीं चढ़ा तो फिर कैसे कर पाएंगे? नहीं सर, ये समस्या वाकई गंभीर है। वहाँ पर कार्यालय पर अगर पहुंचते हैं तो कार्यालय पर देखा जाता है कि जो नियुक्त अधिकारी वहाँ पर किए गए वो तो वहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन एक राशन डीलर का बेटा वहाँ पर बैठकर ऑनलाइन का कार्य करता है, जिसको हम, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, तस्वीरों में दिख रहे हैं, लेकिन
जब तक ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई की बात की, उसके बाद वो कार्यालय में वहां से दिखे नहीं। एक सतीश शर्मा नाम की जो कोटा अध्यक्ष डीलर डीलरों के अध्यक्ष, जहां से आप है ना, रुड़की, मंगलोर और जबरेड़ा, ये तो तीन विधानसभा है, और खासतौर पर जो हरिद्वार वाली बेल्ट है वहां की जनता बहुत जागरूक है। अभी ये जब वीडियो पहुंचेगा तो डीएम साहब ने तो वैसे ही बोल दिया कि कार्रवाई होगी होगी। दिक्कत सरवज करीम अंसारी साहब के लिए भी हो जाएगी कि आप विधायक बने, जनता ने आपको चुना है, तो जनता की सुध तो लो विधायक जी। फोन नहीं उठाने से कुछ नहीं होगा विधायक जी, फोन नहीं उठा रहे आप, मुझे पता चला है। विधायक जी फोन उठाइए, वरना ये जनता वीडियो क्लिप निकाल के आप तक पहुंचाएगी। विधायक जी का फोन मिलाइए, रिंग सुनाइए जनता को। शहजाद अपनी बात रखो जल्दी से। आप मैं आपको बता दूं, रुड़की तहसील में जितने भी गांव पड़ते हैं लगभग सभी गांव का यही हाल है कि सभी जितने कार्ड धारक है सभी को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और काजी साहब का रिंग जारी है। काजी साहब नमस्कार, काजी साहब की रिंग जारी है। काजी साहब, काजी निजामुद्दीन पूर्व विधायक मंगलोर, बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं लेकिन पूर्व विधायक अब पूर्व हो गए हैं, पहले मौजूदा विधायक थे, पहले पता नहीं जनता की सुधी सुनी नहीं सुनी, लेकिन अब भी लगता है कि जनता का फोन नहीं उठता, नहीं उठ रहा फोन। ये काजी निजामुद्दीन है, पूर्व विधायक मंगलोर, और ये फोन कट गया। ये स्थिति है विधायक और पूर्व विधायक की, ना विधायक फोन उठा रहे हैं ना पूर्व विधायक, और जनता परेशान हो रही है। खैर, डीएम साहब से उम्मीद है, उन्होंने आश्वासन दिया है तुरंत कार्रवाई का, तो उम्मीद करते हैं कि इस खबर पर भी जल्दी से संज्ञान लिया जाएगा। जल्दी से नहीं, कल ही संज्ञान लिया जाएगा। शहजाद कल जाइएगा ग्राउंड जीरो पर और लोगों से पूछिएगा संज्ञान लिया नहीं लिया, वो अधिकारी पहुंचे ऑफिस में नहीं पहुंचे, समस्या का समाधान हो रहा है तब भी खबर, नहीं हो रहा तब भी खबर। अपना कर्तव्य निर्वहन करिएगा, 100% खबर पर असर, 100% स्ट्राइक रेट चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद। तो ग्राउंड जीरो से शहजाद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। तो ये गरीबों के राशन पर किसकी नजर, डीएम साहब ने दिया आश्वासन, हर हाल में होगी कार्रवाई, यही है इस कार्यक्रम का मकसद। आपकी सोच और ये आपका मन, आपकी आवाज, जिम्मेदार कौन, अगली बार होगी एक ऐसे ही कार्यक्रम में आपसे मुलाकात। मुझे दीजिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।